नमस्कार। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगला सवाल बिहार से रामदीन यादव जी पूछते हैं कि अगर कंपोस्ट में एंड में अमोनिया रह जाए, अमोनिया प्रॉपरली क्लियर ना हो तो उसका क्या नुकसान है। रामदीन जी कोशिश कीजिए सबसे पहले कि अमोनिया ना रहे, और अगर अमोनिया आप डिटेक्ट कर रहे हैं, आपकी आंखन में अमोनिया की चुभन हो रही है, तो कोशिश करें आप स्पॉनिंग ना करें। अमोनिया 10 ppm से कम होना चाहिए स्पॉनिंग करते वक्त। जब आप कंपोस्ट को सूंघें, आपको आंखों में अमोनिया नहीं चुभना चाहिए। अगर फिर भी आप अमोनिया बचता है और आप स्पॉनिंग कर देते हैं तो उसका खामियाजा हमें इंक कैप के रूप में भुगतना पड़ता है। आपके ग्रोइंग रूम में इंक कैप की इन्फेक्शन, जो कि एक कॉम्पिटिटर मोल्ड है, उसकी इन्फेक्शन बहुतात में हो जाएगी, जो कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। फर्दर जहां जहां पे आपका अमोनिया ज्यादा है, वहां वहां स्पॉन रन बहुत कम होगा, आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप स्पॉनिंग ना करें, उसकी फर्दर टर्निंग कर लें। ऐसा अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो को देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।